के राष्ट्रीय सचिव व बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार और प्रशासन ने शहीद मदनलाल ढींगड़ा की प्रतिमा हटाकर पूरे देश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस करनाल के सेक्टर 12 के सामने स्थित शहीद मदनलाल ढींगड़ा पार्क में मशाल स्थापित नहीं होने देगी, बल्कि यहाँ शहीद मदनलाल ढींगड़ा की प्रतिमा स्थापित करवाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार से शहीदों के सम्मान को लेकर जो कृत्य हुआ है उस पर मुख्यमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरएसएस और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों को ही आजादी के मायने से कोई मतलब नहीं है। पूर्व में दोनों ने अंग्रेजों की गुलामी की है और अब भारत माता की जय के नारे लगाकर पश्चाताप करने में लगे हैं। करनाल में आयोजित आज पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि या तो करनाल के विधायक को करनाल की भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है या फिर वह शहीदों का सम्मान नहीं करना जानते। उन्होंने यह भी कहा कि करनाल में दो मार्ग ऐसे हैं जो शहीदों के नाम से जुड़े हैं, लेकिन आज तक उन्हें दुरुस्त तक नहीं किया गया, जिससे साफ जाहिर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का सही अंदाजा तक नहीं है। राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने और क्या कुछ कहा, देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक खास रिपोर्ट। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल विर्क जी उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं कि सेक्टर 13 के अंदर कल्याण फिलिंग स्टेशन के ऑपोजिट मदन लाल ढींगरा जी के नाम से एक पार्क की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी और विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा और मुहूर्त निकाल करके उनकी विधिवत मूर्ति की स्थापना पिछली सरकार के द्वारा की गई थी। मदन लाल ढींगरा जी का फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लॉर्ड कर्जन जो वाइस राय ऑफ इंडिया थे और उनकी बर्बरता से जब पूरा देश ग्रस्त था, पीड़ित था, तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जी, शहीद भगत सिंह जी, उनकी टीम के सदस्य के रूप में मदन लाल ढींगरा जी की ये जिम्मेवारी लगाई गई कि वो लॉर्ड कर्जन को नेस्ता नबूद करें और उस रणनीति के तहत इंग्लैंड की धरती पर जा कर के हमारे देश के इस वीर सपूत ने 5 गोलियां मार करके लॉर्ड कर्जन को ढेर करने का काम किया था। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट की जो चिंगारी थी उसने एक बड़ी आग का रूप लिया और आज हम खुली हवा में सांस जो हम ले रहे हैं, हिंदुस्तान आज़ाद है, वो मदन लाल ढींगरा जी जैसे महान शहीदों की बदौलत है। मौजूदा सरकार ने करनाल के अंदर बस स्टैंड का जो निर्माण हुआ उसका नाम मदन लाल ढींगरा जी के नाम से बस स्टैंड का नाम रखा गया। ये लगभग एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री जी ने इसकी नोटिफिकेशन कर दी थी, प्रेस मीडिया में अपने बयान दे दिए थे और हम सब लोगों ने और शहरवासियों ने इस बारे में खुशी जताई थी। 2019 में जब इस नाम की घोषणा हुई थी तो पूरा शहर प्रसन्नचित था, हर एक राजनीतिक दल ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया था कि देश के महान सपूत के नाम से हमारे शहर के अंदर एक बस स्टैंड बनने जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला करनाल का नया बस स्टैंड, करोड़ों रुपए की लागत जब बस स्टैंड पे लगी तो वहां मूर्ति की स्थापना भी की जानी थी। आनन फानन में किस कारण से, जिसके कारण क्या थे, जिस पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह और रहस्य आज तक बना हुआ है, परंतु प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए शहीद मदन लाल ढींगरा जी
के नाम से जो पार्क सेक्टर 13 में है वहाँ से मूर्ति को उखाड़ने का काम किया और स्मारक की ये स्थिति कर दी गई। मैं आप सब के माध्यम से शहरवासियों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हालात जो है वो प्रशासन के द्वारा शहीद मदनलाल ढींगरा जी स्मारक के किए गए ये मौके की तस्वीरें हैं। अब सवाल बड़ा पैदा ये होता है कि जब मदनलाल ढींगरा जी के नाम से बस स्टैंड पर मूर्ति स्थापित की जानी थी, 85 करोड़ रुपए की लागत ऑलरेडी सरकार लगा चुकी है बस स्टैंड पे, क्या चंद रुपए और खर्च करके कुछ हज़ार रुपए, या मैं तो कहूँगा रुपयों से कोई तुलना नहीं होती, पर एक बड़ी और भव्य मूर्ति की जो है वो स्थापना नहीं की जानी चाहिए थी? ये सवाल मैं करनाल शहर के निवासियों को, इस देश के निवासियों को, मैं इस सवाल को बीच में छोड़ूंगा और चाहूंगा कि ये शहर और ये देश ये सवाल इस मौजूदा भाजपा सरकार से ज़रूर ये सवाल होना चाहिए। दूसरा, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब किसी फ्रीडम फाइटर की मूर्ति लगती है तो उसको अगर उखाड़ा जाए तो वो एक नेशनल इंसल्ट है। मुझे लगता है और कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि मौजूदा भाजपा सरकार ने अपने इस कृत्य के द्वारा मदनलाल ढींगरा जी का ही नहीं पूरे देश का अपमान किया है। करनाल की जनता का तो अपमान हुआ ही, तो इस अपमान की भरपाई, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री करनाल से विधायक हैं, करनाल की जनता ने, 36 बिरादरी के लोगों ने उन्हें यहाँ से वोट दे करके चुना है, और विधायक होने के नाते अगर प्रशासन ने उनकी लीडरशिप के होते हुए ऐसा ये कृत्य किया है तो निश्चित रूप से ये नैतिक जिम्मेवारी करनाल के विधायक की बनती है कि ऐसा करने से प्रशासन को क्यों नहीं रोका गया। ये जवाब मुख्यमंत्री को, करनाल के विधायक को, करनाल की जनता को और इस देश की जनता को निश्चित रूप से देना होगा। हमारी ये डिमांड है, हमारी दो डिमांड है कि करनाल का विधायक देश की जनता से, सभी शहीद परिवारों से इस अक्षम्य अपराध के लिए माफ़ी मांगे, और वैसे तो इस अपराध की पूर्ति क्षतिपूर्ति अब मुझे लगता है कि इतिहास के अंदर नहीं हो सकती, परंतु अब इस क्षति को कम किया जा सकता है, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, और वो कम इसी प्रकार से हो सकती है कि पुनः एक मूर्ति अमर शहीद मदनलाल ढींगरा जी की इस पार्क के अंदर स्थापित की जाए, और जो इंजरी और उनके नाम के ऊपर जो एक ग्लोरी जो थी उसको जो मिनिमाइज़ किया गया इस सरकार के कृत्य के द्वारा, उसकी कुछ हद तक क्षतिपूर्ति हो सके। मैंने इस संबंध में कल कुछ युवा साथी जो इस कृत्य से आहत थे, शहर के निवासी हैं, वो सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए, उन्होंने ज्ञापन दिया डिप्टी कमिश्नर करनाल को और हर एक राजनीतिक दल को ज्ञापन उन्होंने देने का काम किया। उन्होंने मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वो टेलीफोन पे उनसे बात उन्होंने की, पर उन्होंने इस विषय पर उनसे मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कायरों की तरह अपने घरों के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है। वो जानते हैं कि ये अपराध उनके द्वारा किया गया है, जो जिस अपराध की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, और वो इस मुद्दे पर किसी भी साथी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये और भी जो है वो इस विषय को और गंभीर बना देता है। तो समिति के ने जो ज्ञापन मुझे दिया बतौर कांग्रेस पार्टी के लीडर, मैंने जब उनका ज्ञापन पढ़ा तो मुझे लगा कि ये वाकई अन्याय की बात है, और मैंने मनोहर लाल खट्टर जी, करनाल के विधायक, उनको आज सुबह रजिस्ट्री द्वारा पत्र लिखा है, और मैंने उन पत्र में उनको ये स्पष्ट किया है कि ये
एक नेशनल इंसल्ट है और इसको लोगों के अंदर इसकी रिजेंटमेंट है, और जो लोग बिलीव करते हैं फ्रीडम फाइटर्स के अंदर, मैंने इस शब्द का इसलिए प्रयोग किया है कि शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कार्य को ठीक बता रहे हैं, तो मैंने इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है, जो बिलीवर्स हैं फ्रीडम फाइटर्स के अंदर, उनके अंदर बड़ी रिजेंटमेंट और पेन है। जो फ्रीडम फाइटर्स में बिलीव नहीं करते वो आज घरों के अंदर बंद है, वो इस मुद्दे पर चुप ही साधे हुए हैं। तो इसलिए मैंने ये डिस्टिंक्शन ज़रूर की है कि शहर में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जिन्हें फ्रीडम फाइटर्स की किस के योगदान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने इन स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए सीएम को लिखा है कि लॉट ऑफ रिजेंटमेंट एंड पेन हैज़ बीन कॉज्ड टू द पीपल हु आर रियल बिलीवर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ दिस कंट्री। तो मैंने फिर फाइनली रिक्वेस्ट की है ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी कि डिग्निटी को रिस्टोर किया जाए मदन लाल ढींगरा जी की, और इस स्टैचू को दोबारा एक नया स्टैचू जो है वो पार्क में इंस्टॉल किया जाए और एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए। हमें ये पता लगा है कि अब अपने इस अनुचित कार्य को कवर अप करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन सामाजिक लोगों को प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोगों को बुला करके प्रशासन कह रहा है हम यहाँ मशाल लगाएंगे। मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर, प्रशासन भी सुन ले और मुख्यमंत्री हरियाणा भी सुन ले, किसी भी कीमत पर मदन लाल ढींगरा जी की स्टैचू के अलावा कुछ भी चीज़ यहाँ पर लगने नहीं दी जाएगी। प्रशासन दोबारा कोई इस प्रकार की गलती करने का प्रयास ना करे। तो मैं आप सबके माध्यम से ये चेतावनी हरियाणा सरकार को, भाजपा के मुख्यमंत्री को, भाजपा के लोकल लीडर्स, उनको मैं कायर बोलूँगा, क्योंकि शेर थे मदन लाल ढींगरा जी, और शेर का सम्मान शेर ही कर सकते हैं, गीदड़ों से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उनके सम्मान में वो आगे बढ़ कर के आएँ। तो जो जिस प्रकार से कायरतापूर्ण रवैया यहाँ के लोकल लीडर्स ने अपनाया हुआ है, वो भी मैं समझता हूँ कि उसकी भी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। इन शब्दों का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं अपने राजनीतिक जीवन में कभी इतने कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता, पर इतने कड़े शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि शहीद, मैं भी शहीद परिवार से हूँ, मेरे परिवार ने भी देश के लिए शहादत दी है, मेरे भी ताऊ जी के नाम से सड़क इस शहर के अंदर है। चीन की लड़ाई में हम 62 के अंदर हमने देश के लिए कुर्बानी दी, और आज भी मेरा एक भाई चीन की सीमा पर खड़ा है, ब्रिगेडियर है आर्मी में, और आज भी लद्दाख के अंदर फिर दोबारा चीन के साथ दो दो हाथ करने के लिए खड़ा है। तो शहीद और फ्रीडम फाइटर्स, उनकी भावना वही परिवार समझ सकते हैं जिनके अंदर, जिन परिवारों ने देश के लिए शहादत दे रखी, जो घर के अंदर दुबक करके इतनी बड़ी नेशनल इंसल्ट के बाद मिलने से भी घबराएं, वो निश्चित रूप से कायर लोग हैं। मैं तो आपके माध्यम से बीजेपी के लोकल लीडर्स को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने घरों से बाहर निकलें, मुख्यमंत्री जी की चमचागिरी कम करें, और ताकत के साथ इस शहर की इस बात को रखें, और जो ये डिग्निटी का जो लॉस हुआ है उसको वापस रिस्टोर कराएं। ये मैं आप सब के माध्यम से इन तमाम प्रतियों को भी जो है वहाँ से पीछे हटाकर थोड़ा पीछे कर दिया गया था, उनका कहना ये है कि इसको खड़ा नहीं किया, इसको शिफ्ट किया गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पार्क है, ये प्रतिमा पार्क के अंदर लगी हुई थी, पार्क का स्वरूप चेंज नहीं हो रहा, पार्क ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करता है, वो आगे भी एग्जिस्ट करेगा। तो पार्क में जब प्रतिमा स्थापित थी वो किसी सड़क के अंदर नहीं आ रही थी, देवीलाल जी की मूर्ति के समय जीटी रोड के अंदर वो मूर्ति आ रही थी, यहाँ तो पार्क के अंदर एस्टेब्लिश थी, पार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आगे भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तो सिर्फ एक सवाल था कि एक नई मूर्ति लगनी थी नए बस स्टैंड पर, तो पुरानी जो एस्टेब्लिश मूर्ति थी उसको तोड़ने का कोई लॉजिक
किसी प्रकार से बनता नहीं। ये निश्चित रूप से या तो कॉमन सेंस की कमी है या इसके अंदर कोई साजिश है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे सकते हैं। शहीद मदन लाल ढिंगरा जो चौक है करनाल के सेक्टर 12 जो आपने बताया वो पहले था, लेकिन उसके बाद मटका चौक भी यहाँ पर बनाया गया, तब कांग्रेस की तरफ से या यूथ कांग्रेस की तरफ से तब विरोध क्यों नहीं किया गया कि इसको देखिए चौक को बांटा क्यों गया, तब विरोध क्यों नहीं किया? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है ये मटका चौक की भी बात करूँ, अब शहीदों की सम्मान की बात है, क्या प्रशासन को ये नहीं देखना चाहिए था कि जहाँ पार्क है उसके सामने मटका क्यों लगा रहे हैं? क्या भाजपा ये रूलिंग पार्टी के लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी कि ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि हमारे करनाल के अंदर लोगों की साइलेंट मोड में रहने की आदत है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि करनाल शहर साइलेंट मोड में रहता है, क्योंकि करनाल शहर साइलेंट मोड में रहता है इसलिए हर एक राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या कोई और भी राजनीतिक दल हो, करनाल के लोगों को फॉर ग्रांटेड लेकर के चलता है। तो इसलिए करनाल के लोगों से भी मेरी अपील है कि भविष्य में भी हम सबको इस साइलेंट मोड में रहने वाली प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहिए, अदरवाइज हमारे राइट्स का, हमारे बुजुर्गों का इसी प्रकार से अपमान कोई भी राजनीतिक दल आकर के करेगा। ये आज इस बीजेपी ने किया, कल को किसी भी सरकार के साथ हो सकता है अगर हमने अपना एटीट्यूड नहीं बदला। कठोर साहब, आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया, बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग भी किया, मेरा आपसे सवाल है कि यदि फिर भी शहीद की मूर्ति को पार्क में स्थापित नहीं किया जाता तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि अमर शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति के अलावा हम किसी भी कीमत पर सरकार को कुछ और चिन्ह वहां स्थापित नहीं करने देंगे। हमारा अगला कदम होगा, हम सरकार के साथ टकराएंगे अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी, और निश्चित रूप से आपके बीच में आज मैं इसको दावा करके जा रहा हूँ कि यहाँ पर मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति ही स्थापित होगी और उसको उससे कम हम मानेंगे नहीं। आपको ये लगता है कि शहीद मदन लाल ढींगरा जी की जो प्रतिमा है, इस तरह से एक चौक बनाया गया था, वो सिर्फ करनाल में बनाया गया, हालांकि जो जानकारी है दूसरे जिलों में इस तरह का चौक भी नहीं था, तो करनाल की इन्हीं संस्थाओं ने जो है मुख्यमंत्री से आह्वान किया कि यहाँ पर बनाया जाए, तो क्या कांग्रेस नहीं दूसरे जिलों में भी? मैंने सारा स्टडी किया। मैं आज आप लोगों के बीच में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना केवल करनाल में, और भी जिलों के अंदर मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमाएं हैं, ना केवल हरियाणा में, हर स्टेट के अंदर हैं, और पंजाब में तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने आज एक मूर्ति की दिखाई कि करनाल में तो सिर्फ 2 फुट का एक स्टैचू हमने लगाया था, अदरवाइज पूरे देश में, हर प्रदेश में मदन लाल ढींगरा जी की भव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं। और कल मैंने मुआयना किया जिस जगह के ऊपर मूर्ति की स्थापना होनी है, और मैं मीडिया के भाइयों से भी चाहूँगा कि आप लोग जाकर के एक बार बस स्टैंड का भी दौरा करके आएँ। बस स्टैंड का परिसर जहाँ से एंट्री बस स्टैंड की है उसके आगे खुला पार्क है, वहाँ पर भव्य रूप से स्थापित की जानी चाहिए थी, परंतु अब भी मैंने कल जो मौके पर जाकर के देखा, बिल्कुल बस स्टैंड के पीछे जहाँ बसों की पार्किंग होनी है, उन बसों की पार्किंग के साथ कोने में छोटी सी जगह के ऊपर वो पेडिस्टल बना दिया गया है, बसें वहाँ स्टार्ट होंगी, उनका धुआं होगा, वो मूर्ति के ऊपर लगेगा, मतलब कंप्लीट कॉमन सेंस की कमी और एक जिसे कहते हैं गैर तजुर्बा, नॉन सीरियसनेस, गंभीरता का ना होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रशासन के पार्ट पर और बीजेपी के नेताओं के पार्ट पर नज़र आती है। तो मेरा तो ये आह्वान है सरकार से कि ये इशू बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, फ्रीडम फाइटर्स के इशू के ऊपर थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाई जानी चाहिए, और ये तो बिल्कुल कंप्लीट नॉन सीरियस, जैसे कोई तजुर्बा ना होना किसी चीज़ का। तो मुझे लगता है कि ये एक तजुर्बे की कमी की वजह से हो रहा है, जिसका खामियाजा करनाल शहर को बारी 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 भुगतना पड़ रहा है। अभी सोशल मीडिया का इशू था, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री की ना तजुर्बेकारी सामने आई, लगातार प्रशासन असंवैधानिक काम करते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री चुप है, तो कहीं ना कहीं तजुर्बे की कमी नजर आती है। आज शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा को लेकर, स्टैचू को शिफ्ट करने को लेकर, हटाने को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जी। आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव बीजेपी के नेता भी सुन रहे होंगे, और आपने उनको एक अलग ही शब्दों से जो है उनको बताया, तो शाम तक एक प्रेस नोट ये भी आया होगा उनकी तरफ से कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता है वीरेंद्र सिंह राठौर, वो शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा को वहां से हटाने को लेकर राजनीति कर रहे हैं, ऊंची राजनीति कर रहे हैं, उनका प्रेस नोट भी आएगा, उनका बयान भी आएगा, तो उस पर पहले देखिए पहली बात तो वीरेंद्र राठौर बतौर शहीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो हमें शहीदों का किस प्रकार से सम्मान करना है
वो मैं जानता हूँ, और जो बीजेपी के लोग इस प्रकार की शरारत करते हैं उनका भी बैकग्राउंड में जानता हूँ, ठीक है ना। हम उस परिवार से हैं जिस परिवार में आज तक डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई। 1962 से आज भी मेरा परिवार अमर शहीद विक्रम सिंह जी की डेड बॉडी के इंतजार में है। तो शहीद का क्या सम्मान होना चाहिए, वो पढ़ाने का पाठ पढ़ाने का प्रयास मुझे बीजेपी के लोकल लीडर ना करें। अगर इतना शहीद का सम्मान है तो उनसे पूछिए जाकर के कि आज तक शहीद विक्रम सिंह के नाम के आगे शहीद भी नहीं लिखा गया, विक्रम मार्ग लिख रखा है। कौन थे विक्रम सिंह? मुख्यमंत्री जानते हैं कहाँ है विक्रम मार्ग? मुख्यमंत्री जानते हैं शहीद तेजिंदर सिंह के परिवार की क्या कंट्रीब्यूशन थी? क्योंकि करनाल की जनता ने घर बैठ करके 70,000 वोट से जिताने का काम किया है, और यहाँ पे कुछ छोटे छुटभैया नेता चमचागिरी के अंदर उनको मिसगाइड करते हैं, इसलिए करनाल के साथ ये नॉन सीरियस अप्रोच हो जा रही है। और अगर वो बीजेपी के नेता ये समझते हैं कि इसमें राजनीतिकरण है तो वो समझें, पर ये कहें आकर के कि ये काम सही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह दें, इनके जिलाध्यक्ष ये कह दें कि ये मूर्ति हटाना सही था, मैं उसी दिन से मीडिया के अंदर बात करना बंद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, तो यहाँ कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये आपने कर लिया, ये हिस्टोरिकल सवाल है। मैं आज सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, इनका देश के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कोई योगदान नहीं। एक भी स्वतंत्रता सेनानी कोई पेंशन आरएसएस का कोई पदाधिकारी लेता हो, कोई नहीं, आपको एग्जांपल पूरे देश में मिलेगा। जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय जनसंघ और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाए हुए थे, और क्योंकि देश की फ्रीडम स्ट्रगल इन्होंने नहीं देखी, इसलिए फ्रीडम फाइटर्स ने उस समय आज़ादी के लिए क्या योगदान दिया उसकी बात का महत्व इनको नहीं समझ में आता। और आज भारत माता की जय बोलते हैं, जिस समय भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई थी गुलामी की, जिस समय भारत माता को देश के वीर सपूतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय तो ये घरों के अंदर अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाए हुए थे। आज भारत माता आज़ाद है तो ये भारत माता की जय बोलते हैं। ये छदम राष्ट्रवाद है, जिसके अंदर भारत माता के प्रति प्रेम है वो अपने दिल के अंदर रखता है और अपने अपने तरीके से एहसास करता है। ये हर मीटिंग के अंदर शुरुआत भारत माता की जय जो बोल के करते हैं, ये अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, ये अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि जिस समय भारत माता को जरूरत थी उस समय ये कोई योगदान नहीं दे पाए। तो आज पश्चाताप के अंदर, गलानी के अंदर, ये इस प्रकार के छदम राष्ट्रवाद को फैला करके देश के लोगों को भ्रमित करते हैं और देश के नौजवानों को भ्रमित करते हैं। मैं बीजेपी के नेताओं से फिर अपील करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा लंबा ना खींचे। जो फ्रीडम फाइटर का अपमान हुआ है उस अपमान को रिस्टोर करें, सारा शहर इकट्ठा हो, मिल करके मदनलाल ढींगरा जी की मूर्ति को पुनः स्थापित करें, तो मैं समझता हूँ एक सच्ची श्रद्धांजलि देश के फ्रीडम फाइटर्स के प्रति। ये तो नेशनल इंसल्ट हुई है, चूक थोड़ी हुई है, ये तो नेशनल इंसल्ट है। अगर इसको चूक का नाम देंगे तो इसका मतलब यह है कि करनाल का विधायक नॉन सीरियस है। करनाल के विधायक को पता ही नहीं कि प्रशासन उनकी नाक के नीचे अगर नेशनल इंसल्ट कर रहा है तो इसका मतलब करनाल के विधायक को करनाल की कोई जानकारी नहीं है। 40 दिन पहले दो सामूहिक दुष्कर्म के मामले करनाल में आए, काफी चर्चाओं में रहे, मीडिया की सुर्खियों में रहे, ऊपर नाम आए, दोनों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? एक भी अगर आरोपी था या एक भी कसूरवार था, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई किसी के ऊपर? देखिए मीडा जी, मैंने पहले भी इस पे लीगल एंगल पे मैंने अपने विचार इस पे रखे थे और मैं आज भी बड़ा स्पष्ट हूँ कि कानूनी रूप से जो करनाल का मामला था वो बड़ा ओपन एंड शट केस था। पूरे एविडेंस पुलिस के पास थे, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी थी। 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद सीधा सीधा और कोई एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। अगर हम क्या कहते हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात, फेयर इन्वेस्टिगेशन जब हो सकती है जब कोई पॉलिटिकली या किसी पोजीशन के अंदर ऑफिसर यहाँ बैठा है और वो उसके अंदर मुलजिम है, तो वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो सकती। सबसे पहला काम, अगर सरकार की नीयत साफ थी तो सबसे पहले तहसीलदार करनाल को यहाँ से ट्रांसफ़र करते, फिर आप इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट करते। सबसे पहले तो तहसीलदार का यहाँ से ट्रांसफ़र ना होना
ही इन्वेस्टिगेशन को अनफेयर की कैटेगरी के अंदर ला करके खड़ा कर देता है। दूसरा, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस किसके इंतजार कर रही थी? डेढ़ महीने से। डेढ़ महीने का इंतजार का मतलब ये है कि डेढ़ महीने तक आपने एक विंडो दे दी मुलजिम को, एक्यूज को, कि वो किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करे कंप्लेनेंट को, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाए। एक चीज़ समझनी चाहिए हमें कि ये स्टेट वर्सेस होता है मुकदमे हमेशा, ये कोई इंडिविजुअल वर्सेस नहीं होते, ये हमेशा क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। सीरियस ऑफेंसेस 376 गैंग रेप का मामला अगेंस्ट स्टेट है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स अपनी स्टेटमेंट से हटती है तो उसके खिलाफ कानून के तहत 182 के अंदर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा ही तरावड़ी के मामले में हुआ। तरावड़ी के अंदर FIR रजिस्टर कराई गई, उसके बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स अपने बयान से पलटी, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी 182 कार्रवाई की जानी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें ना करके हम बढ़ावा किस चीज़ को दे रहे हैं? हम बढ़ावा दे रहे हैं लीगल तौर से एक्सटॉर्शन करने का, और सारे शहर को पता है कि दोनों मामलों में क्या हुआ। अब किसी के पास एविडेंस तो है नहीं, पर ये है कि चर्चा बहुत है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।